Hi everyone, welcome back to General Resign. In the previous video of MSc final year, we had started about the mesionic heterocyclic compound. In the mesionic heterocyclic compound, we are discussing about the type A mesionic heterocyclic compound, and in type A mesionic heterocyclic compound, we had done about two mesionic heterocyclic compounds. Now in this video, we are going to start third of mesionic heterocyclic compound, that is also type A compound, and that is 1,3-diethiolium 4-olate. ठीक है, इससे पहले हमने एक कंपाउंड किया था जो कि था 1,3-diazolium 4-olate, एंड इस बार जो हम कंपाउंड कर रहे हैं वो है हमारा यहाँ से 1,3-diethiolium 4-olate. दोनों में डिफरेंस कहाँ पे, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे जो हेटरो एटम्स प्रेजेंट है उनका. ठीक है, हमने पहले लिया था 1,3-diazolium 4-olate, इस बार हम ले रहे हैं 1,3-diethiolium 4-olate. तो सबसे पहले जब हमें नाम का पता चल जाता है, देन हम यहाँ से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. स्ट्रक्चर है ड्रॉ करने का आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा क्योंकि पहले आप दो कंपाउंड करके आ रहे हैं. यदि आपने सीरीज को एक सीक्वेंस में फॉलो किया है तो आप पहले से दो कंपाउंड्स वो करके आ रहे हैं. फर्स्ट कंपाउंड था अपना 1,3-diazolium 4-olate था. ठीक है, इसी के जैसा था. सेकंड कंपाउंड था हमारा 1,3-diazolium 4-aminidine. ठीक है, 4-aminidine. अभी तक जो आउटर हेट्रो एटम है, ठीक है, जो एक्सोसाइक्लिक हेट्रो एटम है वो फोर्थ पोजिशन पे ही है दोनों में. ठीक है, दोनों में ही फोर्थ पोजिशन पे है. साथ ही पहले वाले में, फर्स्ट वाले में ओलेट था, यहाँ पे ओलेट है. दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में ही हेट्रो एटम है वो 1,3 पोजीशन पे है, एक्सोसाइक्लिक हेट्रो एटम है वो 4th पोजीशन पे है. ठीक है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा ओनली जो हेट्रो एटम्स है उनमें. डायएजोलियम में जो हेट्रो एटम होते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन को लेटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एजा बोलते हैं. इन द सेम वे यहाँ से जो सल्फर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थाया बोलते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1,3-diethiolium 4-olate. अब हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है. तो स्ट्रक्चर यदि हम यहाँ से इसकी ड्रॉ करते हैं तो 1,3-diethiolium 4-olate बनाना है. तो देखिए सिंपल सा है, हम कैसे बना लेंगे. ये बन गया अपना 1,3-diethiolium 4-olate. अगेन वही मेसोनिक हेटरोसाइक्लिक का जो बेसिक क्राइटेरिया है उसे तो ये फुलफिल करेगा ही. ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया उसे तो ये भी फुलफिल करेगा. यहाँ से यदि हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं. ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा. या फिर चलिए हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, इधर से नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं. ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. ठीक है, ये यहाँ से कौन आ गया, ओ निगेटिव आ गया. यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, R2 कर लेते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी होती है, 1,3-diethiolium 4-olate की होती है. गलती से यदि कहीं पे एजोलियम निकल जाता है मुझसे, क्योंकि अभी तक एजोलियम पढ़ रहे थे, ये थायोलियम है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए दो सल्फर एटम्स वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सल्फर एटम. ये 1, 2, 3, 4 है, ये नंबरिंग ही है हमने. ठीक है, मैंने जस्ट नंबरिंग करके बताई है यहाँ पे कि कैसे नंबरिंग होती है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है उसे हम ड्रॉ करते हैं. इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर लेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल डू द सिंथेसिस ऑफ 1,3-diethiolium 4-olate. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे R1 एंड R2. सल्फर एटम्स पे तो यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन होना नहीं है, जैसा कि नाइट्रोजन पे अभी तक हमने किया था. यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन है वो नहीं होता. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है. अब इसके बाद यहाँ से ये वाला जो सल्फर एटम है ये अपना लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन उसे बॉन्डिंग में यूज करेगा एंड सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. यहाँ से ये वाला जो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे बनता है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता, हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलता है, देन यहाँ से इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बन जाती है जो कि होती है इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. इस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का हम यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की हम यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं. और ये स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे होते हैं, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो ये वाले स्ट्रक्चर ये रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, अब यहाँ से हम बनाते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला निगेटिव चार्ज है इसे यहाँ पे दिखा दो. ठीक है, निगेटिव चार्ज को हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखा देना है. अब यहाँ से सल्फर ये हो गया, इधर भी सल्फर आ गया, देन जो R2 वाली पोजिशन है उसपे कौन है, निगेटिव चार्ज है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर आपका R1 है. इसके साथ में, इस वाले सल्फर के साथ में अभी भी कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, इस वाले सल्फर के साथ में अभी भी कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. और ये होती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम केमिकल रिएक्शंस करा रहे होते हैं तो इससे पहले हम दो कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं. दोनों में देखिए, मैं बता रही हूँ जितने भी टाइप ए के कंपाउंड है सभी की केमिकल रिएक्शंस वो कॉमन टाइप की होनी है. ठीक है, कौन सी रिएक्शन देते हैं मोस्टली, ये 1,3-डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन इनकी होती है. तो यहाँ पे भी 1,3-डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होने वाली है. सो देट मैं पहले ही आपको 1,3-डायपोलर स्ट्रक्चर वो बना के बता देती हूँ, सो देट आपको केमिकल रिएक्शन में फिर से प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ये हो गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद देखिए यहाँ से क्या होना है, ये जो सल्फर है
ये क्या करेगा, इस वाले ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्हें वापस से ले लेगा, क्योंकि ये क्या है, ये डबल बॉन्ड क्या है, सल्फर का लॉन पेयर ही तो है, तो सल्फर इसे अपने लॉन पेयर के फॉर्म में वापस ले लेता है। तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ से जो फाइनली स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर आगे जाके छोटी होती जा रही है। यहाँ पे निगेटिव हो गया आर टू वाला कार्बन, यहाँ पे आर वन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड ओ है। दोनों ही सल्फर्स पे इस बार क्या है, अपने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से देखिए पोजीशन नंबर वन एंड थ्री पे क्या है, पोजीशन नंबर वन एंड थ्री पे क्या है, डायपोल है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, वन थ्री डायपोलर स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है, वन थ्री डायपोलर स्ट्रक्चर। अब ये जो वन थ्री डायपोलर स्ट्रक्चर है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इन द केमिकल रिएक्शंस। वन थ्री डायपोलर साइक्लोएडिशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं, तो वहां पे हम पहले ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसी के बाद में साइक्लोएडिशन रिएक्शन है एल्केन की एल्काइन की, वो हम करा रहे होते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए सबसे पहली चीज हमें यहाँ से क्या करनी होती है, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट है सिंथेसिस। सिंथेसिस है, इसके दो सिंथेसिस होने वाले हैं। जो फर्स्ट सिंथेसिस है वो यहाँ पे कौन से रिएजेंट के साथ में हम करने वाले हैं, फ्रॉम डायथायो ग्लाइकोलेगेस से। पहला जो सिंथेसिस है वो हम करेंगे यहाँ से डायथायो ग्लाइकोलिक एसिड से। डायथायो ग्लाइकोलिक एसिड में हमें करना क्या है, डायथायो ग्लाइकोलिक एसिड को आपको ट्रीट करना होता है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां से क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन किस टाइप से होता है वो चीज भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए पूरी की पूरी रिएक्शन है वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये जो कंपाउंड हमने लिया है ये कौन सा होता है, डायथायो ग्लाइकोलिक एसिड होता है। अब ये जो डायथायो ग्लाइकोलिक एसिड बना है, ये वाला जो सिंथेसिस है ये बिल्कुल डिट्टो सिमिलर सिंथेसिस होने वाला है, जो कि हमने 1,3 डाई एजोलियम 4 एमिनिडीन में किया था, जो नाइट्राइल वाला सिंथेसिस किया था ना उसी के जैसा। यदि आपने वो पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही चीज है, सारे के सारे स्टेप्स वही फॉलो होने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने यूज करना होता है Ac2O। एंड वॉट इज Ac2O, ये तो आपको सभी को पता होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, आगे मैं पूरा का पूरा करके बताने वाली हूँ। जब हम Ac2O की प्रेजेंस में इसे ट्रीट कर रहे होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन होता है। डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन यहां से होती है, एंड डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो यहां से कुछ इस टाइप का फॉर्म होता है, जो कि अपना 1,3-diethylium-4-olate होता है, ठीक है, 1,3-diethylium-4-olate होता है। ये यहां से रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन होगी कैसे, हमें वो चीज देख लेनी है। सबसे पहले हम कहां पे मूव करेंगे, टुवर्ड्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे मूव करने से पहले देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसी, जैसा कि हमने 1,3-diazolium-4-aminidine में जो नाइट्राइल लिया था उससे की थी, उसी के जैसे सिंथेसिस है। तो यहाँ से सबसे पहले ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे जाएंगे, रिजोनेंस होगा, यहाँ से लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे जाएंगे, और ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये सल्फर पे जाके निगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। रेजोनेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से क्या बनने वाला है, सिंगल बॉन्ड एस निगेटिव। सल्फर पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। देन यहाँ से इस वाले सल्फर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये वाला सल्फर पूरी की पूरी रिएक्शन में यही चलने वाला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इतना काम तो आपका हो गया कि एक सल्फर पे तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, बाकी का काम है आगे का वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, साथ में हम क्या लेंगे, Ac2O लेंगे। Ac2O है ये क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। अब ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो दोनों कार्बन से इनकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो किस टाइप की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो प्रोडक्ट होता है कुछ इस टाइप का, सी सिंगल बॉन्ड एस। इधर वाला पहले बना लेते हैं, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, देन सी एच है, आर टू है, सी डबल ओ एच। बहुत ही केयरफुल रिएक्शन को समझना, इजी सी रिएक्शन है, ठीक है, मैकेनिज्म आपको इजीली समझ आ जाएगी। देन यहां से क्या है, देखिए जैसे ही यहां से ये बॉन्ड जाता है तो ये बॉन्ड बनेगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहां से क्या आया, ओ निगेटिव आया। इधर कौन है, सी एस थ्री है, बाकी आगे कौन है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है।
इतनी चीज क्लियर हो गई, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है। अब ऐसे तो रह नहीं सकता, तो जैसे ही ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे। सल्फर और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक करेगा या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ऑब्वियसली बात है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक करेगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से जाते हैं इधर एंड माइनस होता है एसीटेट आयन, ठीक है। माइनस यहाँ से कौन होगा सी एस थ्री, सी डबल ओ नेगेटिव है वो माइनस हो जाता है, इतना जो आयन है ये यहाँ से माइनस हो जाता है। एंड यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता है, देख लेते हैं। आर वन देन सी डबल बॉन्ड एस पॉजिटिव देन सी एच, आर टू सी डबल ओ एच, एंड इसके साथ में इधर कौन है सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी सल्फर है, पहले सल्फर के साथ में कौन है सी डबल बॉन्ड ओ है और सी एस थ्री है। इतनी चीज बन गई। अब इसके बाद यहां से जो सी एस थ्री सी डबल ओ निगेटिव माइनस हुआ है ये क्या करेगा, ये भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो ये यहां से करेगा क्या, इस वाले प्रोटोन को अबस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस वाले प्रोटोन को अबस्ट्रैक्ट करेगा। एंड माइनस किसकी फॉर्म में होगा, माइनस सी एस थ्री सी डबल ओ एच की फॉर्म में होगा। माइनस किसके फॉर्म में हो जाता है, सी एस थ्री सी डबल ओ एच की फॉर्म में ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। एंड यहाँ पे अगेन कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट, आर वन सी डबल बॉन्ड एस पॉजिटिव सी एच आर टू सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एंड इधर में कौन आएगा सल्फर आ गया एंड सल्फर के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। इतनी चीज क्लियर होने के बाद यहां से देखिए, अगेन दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक, तो अगेन क्या होना है इसे यहाँ पे अटैक करना है। जैसे ये यहाँ पे अटैक करता है तो किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी है, आर वन सी डबल बॉन्ड एस पॉजिटिव सी एच आर टू देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड यहाँ पे कौन है सल्फर है, सल्फर के साथ में सी, जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर की तरफ जाएंगे, देन ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा सी एस थ्री एंड यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो फाइनली हो जाती है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो फाइनली हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा, एक बार फटाक से इतना स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स वगैरह का, देन आगे का एक्सप्लेन कर देती हूँ, हो गया। ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो पूरा का पूरा एक बार में मैकेनिज्म है वो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, अब जैसे ही ये वाले बॉन्ड के ये वाले निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन से डाउन साइड तो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटीज होती है, कौन कौन सी, आइदर दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक और दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो मिथाइल सी एस थ्री पॉजिटिव तो निकलने की, सी एस थ्री निगेटिव निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं रिएक्शन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, देन वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इज कि हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सल्फर पे कौन सा आएगा, अगेन निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सल्फर पे कौन आएगा, अगेन से निगेटिव चार्ज आएगा एंड निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाती है, सी एस निगेटिव देन सल्फर एंड सल्फर, इस वाले सल्फर का तो पॉजिटिव चार्ज है ये चलता ही रहेगा, इसको तो बेचारे को स्टार्टिंग में इनिशियली ही मार कूट के और इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके बिठा दिया था, अब बोल रहे हैं तो चुपचाप बैठा रहे, ठीक है। देन यहाँ से सी एस थ्री ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इतनी चीज क्लियर होने के बाद अगेन सल्फर है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और इस बार तो दो दो इलेक्ट्रोफाइल्स बैठे हैं, कौन कौन से, दिस वन एंड दिस वन। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर इट विल अटैक हियर और हियर, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। यहां पे जब ये अटैक करेगा फाइव मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, यहां पे जब ये अटैक करेगा तो यहां से सेवन मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है एंड फाइव मेंबर रिंग इज मच मोर स्टेबल इन कंपेयर टू सेवन मेंबर रिंग, सो दैट्स व्हाई इट विल अटैक हियर नॉट हियर, क्लियर है यहां से इतना बंदा। अब यहां से हमें क्या करना है, देखिए सीधा सा यहां से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देना है और फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है, आर वन सी एस, आर वन सी एस, इधर कौन आ गया डबल बॉन्ड एस पॉजिटिव, सबसे पहले हमारे पास में एस के साथ में पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ है, और जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये नीचे की तरफ आएंगे, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज एंड ये बन गया बॉन्ड, इधर कौन है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है, ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है।
इधर ही चेंज क्लियर हो गई। अगेन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे देगा, और जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे देगा तो माइनस क्या होना है, सी एस थ्री सी डबल ओ निगेटिव माइनस होना है। ठीक है, अगेन से माइनस सी एस थ्री सी डबल ओ निगेटिव, एंड जो कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म होना है। चलिए वो भी हम देख लेते हैं, तो यहां से बनेगा सी एस आर वन डबल बॉन्ड एस पॉजिटिव सी एच आर टू, हाइड्रोजन को बेचारे को बाहर लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है इसी के साथ में, तो श्योर है इसी के साथ में होने वाला है। क्या होने वाला है वो चीज भी बता देती हूँ, यहां तक पहुंच गए। अब ये जो सी एस थ्री सी डब्लो निगेटिव है ये भी अकेला तो ऐसे आराम से जाएगा नहीं, तो क्या करेगा फिर, तो ये यहां से इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा। ठीक है, और अगेन ये भी किसकी फॉर्म में माइनस होगा, सी एस थ्री सी डबल ओ एच की फॉर्म में माइनस होगा। ठीक है, सी एस थ्री सी डबल ओ एच की फॉर्म में माइनस होगा। जैसे यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो चलिए मैं आपको बना के बता देती हूँ कैसे यहाँ से निगेटिव चार्ज आता है। तो ये आया आपका आर वन स्ट्रक्चर है, वो मैं थोड़ी सी छोटी ड्रॉ करने के ट्राई करूंगी बिकॉज बॉन्ड है वो ऑलरेडी भर चुका है। यहाँ से एस डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, एंड इसके साथ में कौन है, आर टू है, एंड यहाँ पे कौन है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये वाले स्ट्रक्चर बन गई, ये वाले स्ट्रक्चर हमने पहले जो तीन चार स्ट्रक्चर्स बनाई थी उसमें से मैच कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिलोकलाइजेशन करा देंगे, नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे और ये गया यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर है वो कौन सी बनेगी। अगेन मैं आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर वो ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, सो डोंट वरी, सारी की सारी स्ट्रक्चर जो कि हमने थोड़ी देर पहले मिटा दी थी वो अगेन आपको मिलने वाली है। आर टू, एंड इधर कौन है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ में ओ नेगेटिव है। और इसी वाले स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं लाइक दैट, सल्फर हो गया, इधर भी सल्फर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ओ नेगेटिव, आर टू आर वन, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 डाइथायोनियम 4 फोलेट, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। ये वाले स्ट्रक्चर और वो वाले स्ट्रक्चर दोनों की दोनों स्ट्रक्चर वो सिमिलर है। हम कहां से कहां गए एक बार के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले ये हमने सिंपल रिएक्शन लिखी कि हम किस टाइप से यहाँ से डाइथायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज करके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में उसे ट्रीट करके, एंड 1,3 डाइथायोनियम, यहाँ से 1,3 डाइथायोनियम 4 ओलेट की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म हमने स्टार्ट की थी यहाँ से, सबसे पहले हमने रेजोनेंस कराया, रेजोनेंस के बाद हमने एसिटिक एनहाइड्राइड पे अटैक कराया, अटैक कराने के बाद हम यहाँ से यहाँ गए, सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच एलिमिनेट किया, अगेन न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराया, अगेन हमने यहाँ से साइक्लाइजेशन किया, आफ्टर द साइक्लाइजेशन हमने फिर से रिंग ओपनिंग किया, फिर से हमने यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराया है। और उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बता देती हूँ, उसके बाद हम इधर चले हैं। ठीक है, पहले हम इधर चले हैं, इधर चले हैं, उसके बाद इधर चले हैं, और फिर हम इधर गए, समझ आ रही है। तो ये था यहां से एक सिंथेसिस, सेकंड सिंथेसिस अब वो मैं आपको बताती हूं, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उस पर मूव करते हैं, फ्रॉम डायथायो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने डायथायो ग्लाइकोलिक एसिड लिया था, सेकंड है वो हम लेंगे डायथायो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें करना है सिंथेसिस 1,3 डायथायोनियम 4 ओलेट का। उसके बाद हमें केमिकल रिएक्शन देखने हैं, केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्शन होने वाले हैं, साइक्लोएडिशन एज वेल एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं, लाइट अब जा चुकी है एंड इट्स इवनिंग टाइम, पता नहीं आपको ये वीडियो कब तक मिलेगा, तो अंधेरा है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पता नहीं लाइट आएगी नहीं आएगी क्योंकि मौसम खराब है, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं करती हूँ, बाकी वही ब्राइटनेस एडजस्ट कर देंगे। सेकंड है फ्रॉम डायथायो कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम डायथायो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डायथायो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किस टाइप से सिंथेसाइज करेंगे 1,3 डायथायोनियम 4 ओलेट को, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, आर वन सी डबल बॉन्ड एस एस एच, दिस वन इज डायथायो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ में हमें क्या लेना है, अकेला तो नहीं करेगा ना सिंथेसिस, दूसरा कंपाउंड तो हमें चाहिए, दूसरी स्पेसिस तो चाहिए,
दूसरे स्पीसीज है वो हमें क्या लेनी है यहाँ से, अल्फा हेलो असाइल क्लोराइड। दूसरी जो स्पीसीज है वो हमें क्या लेनी है, अल्फा हेलो असाइल क्लोराइड है वो हमें यहाँ से लेना है। ठीक है, ये कौन सा है, अल्फा हेलो असाइल क्लोराइड। और कैसे है, दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप, इसकी कंपेयर इसके रिस्पेक्ट में दिस वन इज अल्फा, तो अल्फा पे क्या है, हेलो, अल्फा क्लोरो भी हम इसे बोल सकते हैं, अल्फा क्लोरो असाइल क्लोराइड हमने लिया है। दोनों के जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होने वाला है। ठीक है, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ये ओ नेगेटिव आर वन आर टू, और ये क्या है अपना 1,3 डाइथायोडियम 4 ओलेट, 1,3 डाइथायोडियम 4 ओलेट है वो यहां से बन जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इसका नेम अगेन से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डाइथायोडियम डाइथायो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। मैकेनिज्म पे मूव करते हैं, तो सबसे पहले मैकेनिज्म पे जब हम मूव करेंगे तो मैकेनिज्म हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर भी क्या है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस बार ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है तो सल्फर पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस बार सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर वाला सल्फर जिस पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, और इधर वाला सल्फर जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एंड इसके साथ में कौन है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, इसके साथ में कौन है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब यहां से हम जो सेकंड कंपाउंड है उसे कैरी करते हैं, सेकंड कंपाउंड है वो हमारे यहाँ से क्या होने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहां से क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर कौन है, सी एल है, इसके साथ में सी एच है, एंड साथ में सी एल एंड आर टू। ठीक है, सी एल एंड आर टू है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड ऐसे होगा, और देन क्लोरीन है वो यहाँ से निकल जाएगा। मैं एक ही स्टेप में बता रही हूँ, बार बार हम नहीं करने वाले। ठीक है, क्लोरीन अल्टीमेटली वो यहाँ से माइनस हो जाता है, तो माइनस क्या हुआ, सीएल निगेटिव, और सीएल निगेटिव होने माइनस होने के बाद यहाँ से कौन सा कंपाउंड बन रहा है, देखिए कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो यहाँ से आपकी बनने वाली है, सी एस। ठीक है, एस पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज है वो तो अभी बैलेंस हो चुका है ना, उस पर कौन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन पे कौन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन पे कौन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एंड इसके साथ में है सी एच आर टू सी एल, सी एच आर टू सी एल। अब मूव करते हैं इधर, यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड एस एच पॉजिटिव। अब यहां से क्या होगा, ये जो सी एल निगेटिव है ये क्या करेगा, यहां से इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के लेके जाएगा, ये समझ आ रही है, ये क्या करेगा, यहां से इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसे ही हाइड्रोजन को निकालेगा तो सल्फर को क्या मिलेगा, इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होना है, माइनस एच पॉजिटिव होना है, अल्टीमेटली माइनस क्या हो गया, एचसीएल माइनस हो गया, अल्टीमेटली कौन माइनस हुआ है, एचसीएल माइनस हुआ है। अब यहां से इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन देखिए सी बहुत ही माइनर सा हमने यहाँ से चेंज किया है, सल्फर पे ऑनली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको लगा देने, बाकी तो सारा का सारा है वो एज इट इज ही रहना है। देन यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, सी एच आर टू सी एल आ गया, दिस वन कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये भी कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, रीजन बिहाइंड इट, इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऊपर की तरफ से डबल बॉन्ड ओ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। देन यहां से क्या होगा, ये वाला जो सल्फर है ये अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे अटैक करता है, सल्फर पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड जैसे ही लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे अटैक करेगा तो सीएल निगेटिव है वो अगेन यहाँ से एलिमिनेट करता है। ठीक है, माइनस क्या होगा, अगेन सीएल निगेटिव है वो माइनस हो जाता है, एंड साइक्लाइजेशन है अल्टीमेटली वो यहाँ पे आपको अकर होता है। ठीक है, साइक्लाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। देन यहाँ से सल्फर है, देन सी डबल बॉन्ड ओ है, उसके बाद कौन है, सी एच है आर टू है। ठीक है, सी एच है आर टू है, एंड इधर कौन था, डबल बॉन्ड से सल्फर था, एंड सल्फर पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इस सल्फर का काम स्टार्टिंग से ही हमने शुरू कर लिया था, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है वो आना ही आना होता है। इसके बाद अगेन देखिए सी एल निगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ से एच पॉजिटिव को निकालेगा, अल्टीमेटली माइनस कौन होगा, एच सी एल माइनस होगा, एच सी एल माइनस होने के बाद इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगेन देखिए स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की हो जाने वाली है, यहाँ से सल्फर देन डबल बॉन्ड निगेटिव आर टू, ठीक है, इधर आर वन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर्स में भी हमने किया है, यहाँ पे भी हम कर देते हैं।
बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देन यहाँ से कौन आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, आर टू आएगा, आर वन आएगा, एंड यहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर यहाँ से फॉर्म होने वाली है वो कौन सी होगी, वो होगी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। दिस वन इज आर टू आर वन ओ नेगेटिव एक्सोसाइक्लिक ओ नेगेटिव एंड इन द रिंग पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट 1,3-dithyridium-4-olate 1,3-dithyridium-4-olate। फॉर्मेशन कैसे हुई है, बहुत ही इजी से रिएक्शन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। नहीं समझ आई है अगेन से आप क्या कर लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। सल्फर पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लगा दिया करो, थोड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। सल्फर पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लगाओगे तो थोड़ा ही सुंदर दिखता है। हमें तो क्या करना है, सुंदरता ही बढ़ानी है। लेकिन इस वाले सल्फर पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप दो नहीं दिखा सकते, दिखाओगे तो भी सिर्फ आपको एक ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, दोनों आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जो यूज कर चुके होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियरली दिखाया हुआ है कि हमने यहाँ से एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया है। इतनी सी क्लियर है, सिंथेसिस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन विद एल्काइन एज वेल एज एल्कीन। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर किसके होने वाले हैं, जैसे कि हमने की थी 1,3-diethyl-1,3-diazolam-4-aminidane में। वहां से हमने क्या ऑब्टेन किया था, सब्सटीट्यूटेड पिरोल की फॉर्मेशन की थी, यहाँ से सब्सटीट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सब्सटीट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन हो जाती है। फटाक से इसको सॉल्व लो, देन मैं आपको केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो सिंथेसिस मेथड हमने यहां पे किए हैं। क्वेश्चन का टाइप है वो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगा सकते हैं, बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। सो दैट मैं पूरा का पूरा करा रही हूँ यहां से। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन। बाकी ज्यादा चांसेस हैं वो यही होते हैं कि आपसे डायरेक्टली जो भी एक कंपाउंड दे दिया जाए और उस पर सॉल्व नोट पूछ लिया जाए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट वन इज साइक्लो एडिशन। एंड साइक्लो एडिशन कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, यहाँ पे 1,3-dipolar साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताई थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से 1,3-dipolar स्ट्रक्चर है वही हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने आपको बना के दिखा दी थी कि कौन कौन से टाइप की स्ट्रक्चर्स वो यहाँ पे बन रही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से जो 1,3-dipolar स्ट्रक्चर है वही ड्रॉ करूंगी, ठीक है। 1,3-dipolar स्ट्रक्चर है वही मैं यहाँ से ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, R2 है, R1 है। स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनेगी, ठीक है। सो कोई भी कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है ये यहाँ से कैसे बनी होगी। चलिए बना के बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। सो दैट यहाँ पे क्या आएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, एल्काइन अटैक करेगा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, एल्काइन अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा एंड देन निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एंड जो बनने वाला साइक्लिक एडक्ट है वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है। किस टाइप का कंपाउंड होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आता है सल्फर, यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड ओ, एंड देन यहाँ पे आता है सल्फर, हेयर आर वन, हेयर आर टू, एंड हेयर डबल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। यहाँ से साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। ये बन गया साइक्लिक एडक्ट। अब साइक्लिक एडक्ट बनने के बाद में मैंने बोला कि सब्सटीट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन होगी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि होती ही सब्सटीट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन है। कैसे होगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सब वो कहाँ पे आएंगे, सल्फर पे आएंगे। सल्फर पे कौन आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। एंड यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे यहाँ से बनता है कार्बोकटाइन। अल्टीमेटली क्या चीज यहाँ से रिमूव होने वाली है, ये बना आपका निगेटिव चार्ज। एंड निगेटिव चार्ज के साथ में इधर कौन है, सल्फर है, इसके साथ में R1 है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इधर इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ये कौन सा होता है, सॉरी ये वाला जो कार्बोकटाइन बन रहा है ये क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। एंड रीजन बिहाइंड इट, रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट इज
अलाइलिक कार्बोकोटाइन। और अलाइलिक कैसे होता है, देखिए डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, और देन इस वाले कार्बन पे जो भी होता है, इस वाले कार्बन पे जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है बिकॉज ऑफ एलाइलिक कार्बोकोटाइन। तो ये क्या हो गया, स्टेबल कार्बोकोटाइन हो गया। स्टेबल कार्बोकोटाइन होगा तो ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी देन यहाँ से माइनस है वो क्या होना है, माइनस यहाँ से जैसे ये वाले नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन होनी है, फॉर्मेशन किसकी होगी, यहाँ से फॉर्मेशन होती है सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन की, जो कि आपका होता है कुछ इस टाइप से, एक साइड पे आपका R1 है, दूसरे साइड पे आपका R2 है, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड दिस वन इज सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन, सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन, सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। और किस टाइप से हुई है, माइनस यहाँ से क्या होगा, माइनस यहाँ से होता है कार्बोनिल सल्फाइड, माइनस क्या होगा, एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर लिख देती हूँ, माइनस होगा एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। और ये क्या होता है, थायोनिल सॉरी कार्बोनिल सल्फाइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोनिल सल्फाइड होता है, कार्बोनिल सल्फाइड, कार्बोनिल सल्फाइड के एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन होती है, जो कि रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट रिएक्शन थी वो किसके साथ में थी, एल्काइन के साथ में थी। सेकंड रिएक्शन है वो किसके साथ में, रिएक्शन विद एल्कीन, रिएक्शन विद एल्कीन, एल्कीन के साथ में किस टाइप से रिएक्शन होती है, देखिए अगेन वही सेम टाइप की रिएक्शन जैसे कि आपने पहले वाले कंपाउंड्स में किए हैं। तो फटाफट रिएक्शन है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन देखिए मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, 1,3 डायपोलर स्ट्रक्चर है वही ड्रॉ कर रही हूँ, इस बार तो मैं बिल्कुल क्लियरली यही करने वाली हूँ। आर वन आर टू एंड देन यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्कीन का अटैक कराएंगे, एल्कीन का अटैक कराएंगे किस टाइप से, यहाँ से फॉर्मेशन होनी, सबसे पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा, देन निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा, अगेन यहाँ से साइक्लिक एडक्टिव की फॉर्मेशन होती है, एंड हेयर साइक्लिक एडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एंड वाई सो फॉर्मिंग कार्बोकोटाइन इज नॉट स्टेबल एज अबव रिएक्शन, एज अबव रिएक्शन। और क्यों नहीं होता, चलिए बताती हूँ कैसे नहीं होता है, देख लेते हैं कि क्यों नहीं होगा। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये यहाँ से क्या बना है, साइक्लिक एडक्ट बना है, साइक्लिक एडक्ट बना है, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एंड वाई, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे, एंड लाइक अबव रिएक्शन यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है, एस नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, एंड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आर वन सल्फर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई एलाइलिक पोजिशन नहीं है, सेकेंड कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकोटाइन कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या होगा, अनस्टेबल कार्बोकोटाइन, अनस्टेबल कार्बोकोटाइन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड लाइक अबव रिएक्शन, एंड साइक्लिक एडक्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, साइक्लिक एडक्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये यहाँ से हो जाती है साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद एल्काइन, एंड सेकंड वो है रिएक्शन विद एल्कीन, और ऐसे ही साइक्लिक एडिशन रिएक्शन है ये आपको सारे के सारे जो टाइप ए एंड टाइप बी के कंपाउंड है सभी में आपको फॉलो करनी होती है। तो फटाफट आपको समझ आ जानी चाहिए कि रिएक्शन है वो किस टाइप से हो रही है, साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है, और साइक्लिक एडक्ट है वो इस स्ट्रक्चर में कैसे जा रहा है। इसके बाद देखिए इतना यदि आप हटा देते हैं तो सिंपल सा है, बॉन्ड्स के ओरिएंटेशन के बाद में थायोफिन ही बचता है, आपको थोड़ा सा बस इसको घुमा के लिखना है, इसे नीचे की तरफ खींच दीजिए, हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो यहाँ से आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में यहाँ से फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन होता है, कंपाउंड है वो कम्प्लीटली ब्रेक होता है, दो स्पीसीज में तीन स्पीसीज में ब्रेक होता है, वो किस टाइप से होती है रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर दैट टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो यहाँ से हमें करानी होती है O2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, एंड जो रिएक्शन है वो HNO की प्रेजेंस में होती है, दैट्स व्हाई इट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन।
ओके तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में यहाँ से डिफ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। डिफ्रेगमेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का, वो किस टाइप से होता है, पहले साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, देन डिफ्रेगमेंटेशन होता है। तो किस टाइप से रिएक्शन होती है, चलिए मैं एक एक स्टेप करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड वेल इट्स फाइनल रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके बाद अगेन आपका एक कंपाउंड है वो और कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ में आपके थ्री मेसोनिक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड सिक्स है वो और बचेंगे, ठीक है। नाइन कंपाउंड्स हैं, सेडॉन्स है वो अलग है, तो कंप्लीटली टैन होते हैं, तो थ्री है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में पहले हम यहाँ से की स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। वन थ्री डायथायलियम फोर ओ एट, वन थ्री डायथायलियम फोर ओ एट, वन थ्री डायथायलियम फोर ओ एट gives defragmentation by photochemical reaction with O2 in the presence of methanol in the presence of methanol, okay, CH3OH। ये तो है रिएक्शन का स्टेटमेंट। अब रिएक्शन के स्टेटमेंट के बाद मैकेनिज्म में वो कैसे होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, 1,3 डायथायलियम 4 ओलेट चाहिए। तो हम एक एक करके स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में कंपाउंड आता है 1,3 डायथायलियम 4 ओलेट, 1,3 डायथायलियम 4 ओलेट आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए एंड CH3COOH चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको अगेन पहले रिएक्शन बता देती हूँ। CH3OH वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट यहाँ से इसका वर्क हो रहा है। O2 है वो हमारा रिएजेंट है, एच इन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी R2C(OOCH3) कीटो एस्टर प्लस, देन यहाँ से क्या होगा, सॉरी कीटो एस्टर प्लस R1C(OOSH) प्लस सल्फर तीन स्टेज में इसका डिफ्रेगमेंटेशन है वो हो जाता है। अब कैसे होती है रिएक्शन, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, 1,3 डायपोलर स्ट्रक्चर इसकी चाहिए। तो 1,3 डायपोलर स्ट्रक्चर है वो, चलिए हम इसकी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, हम बहुत बार बना चुके हैं क्योंकि हम पहले भी केमिकल रिएक्शन से वो करके आए हैं। हेयर पॉजिटिव R1 R2, हेयर निगेटिव एंड हेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन यहां से क्या आएगा, O(O), ठीक है, O(O). रिएक्शन विल बी लाइक एल्किन्स, देन यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये वाले निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। एंड जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कुछ इस टाइप का, साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन में वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक एडक्ट विल बी फॉर्म, हेयर सल्फर R1 R2 एंड हेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाउ वी हैव ऑल्सो यूज CH3OH। अब CH3OH है वो क्या करेगा, यहाँ से हमें सिंपल सी बात पता होती है कि CH3OH जब भी हम यूज कर रहे होते हैं तो इसका जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही ऑलवेज अटैक कर रहा होता है, ठीक है, वही क्या करता है, ऑलवेज अटैक करता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो समथिंग लाइक दैट होने वाला है, ऑक्सीजन OCH3H पॉजिटिव एंड इधर कौन आएगा, इधर वही अगेन सल्फर R1 एंड R2, ठीक है, स्ट्रक्चर बन गई। यहां से जो फर्स्ट कंपाउंड बना था ये क्या था, साइक्लिक एडक्ट था, साइक्लिक एडक्ट पे किसने अटैक किया, साइक्लिक एडक्ट पे, और रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, एच इनके प्रेजेंस में रिएक्शन है वो हो रही है। साइक्लिक एडक्ट पे रिएक्शन किसने किया, CH3OH ने अटैक किया। नाउ यहाँ से क्या होगा, -H पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, इतनी चीज समझ आ रही है। यहाँ से क्या होगा, -H पॉजिटिव होने के बाद में इसके पास में इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, उखाड़ना तो इसने कुछ भी नहीं है, चलिए इसे इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी दे देते हैं, ठीक है, सल्फर है
इधर भी सल्फर है, आर वन आर टू, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है, अनछत के नाले के नीचे शायद पता नहीं कुछ रखा है जिसकी वजह से टिप टिप की आवाज आ रही है, तो वीडियो में कमेंट मत करना मैम कहाँ चिड़ियाघर में घुस के वीडियो बना रहे थे, ठीक है। आप देखिए यहाँ से, वैसे है तो मेरा घर चिड़ियाघर ही, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल हमारे इधर सांप आया हुआ था तो मैं डर गई, हाँ ठीक है, डरी नहीं थी बट फिर भी सेफ्टी तो जरूरी है ना, सांप काट के चला जाएगा, आप सोचोगे मैडम चैनल छोड़ के भाग गए, मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। ओके इतना इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं। कैसे घुमा के लिखेंगे, देखिए सिंपल सा है, आपको क्या करना है थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमने इधर लिखा था इसे हमने भेज दिया इधर, ठीक है, सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर है आपका एज इट इज रहेगा, आर वन वहीं पे है, आर टू यहीं पे है, ओ निगेटिव वही यहीं का यहीं है, ओ सी एस थ्री है वो भी यहीं का यहीं है। इतना काम हो गया, इतना काम होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, डिफ्रेगमेंटेशन करना है। डिफ्रेगमेंटेशन है वो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहीं से शुरू होता है सारी की सारी कहानी है, वो कौन शुरू करता है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है वो शुरू करता है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज सारी की सारी कहानी शुरू करेगा। या फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये जो एच पॉजिटिव निकला था इसे पहले आप यहाँ पे जोड़ दो, लास्ट में निकाल दो, होना तो वही का वही है, ठीक है, होना तो सेम ही चीज है। चलिए हम इसे निगेटिव का निगेटिव ही रखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है ये सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है ये डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनने के बाद में ये वाले जो बॉन्ड के, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे सल्फर भी तो है ना, यहाँ पे सल्फर भी है, तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जाते हैं, सल्फर पे जाते हैं। जैसे ही सल्फर पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाले डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, चीज समझ आ रही है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा। अब फाइनली कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कौन कौन से स्पीशीज बनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्पीशीज, ठीक है, सबसे पहले स्पीशीज हम OCS3 से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से OCS3 हमारा एज इट इज है, OCS3 के बाद में कौन है, कार्बन है, कार्बन पे कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है। देखिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ऊपर से इसका लिंकेज है वो ब्रेक हो चुका है, अब किधर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्बन है उस पे कौन है, आर टू है, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन पे कौन है, आर टू है, ठीक है, आर टू के बाद इधर से भी इसका लिंकेज है वो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे यदि चले तो देखिए सल्फर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सल्फर से लिखना स्टार्ट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, R1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, R1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आया हमारा R1, R1 के साथ में कौन है, ठीक है, देखते हैं R1 के साथ में एक साइड में कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, ये कौन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, R1 के साथ में, सॉरी R1 वाले कार्बन के साथ में, ये कार्बन है इसके साथ में R1 है, ठीक है, ये कार्बन था, कार्बन के साथ में कौन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, सॉरी कार्बन के साथ में कौन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था एक साइड पे, दूसरी साइड पे कौन था, यहां से देखिए सल्फर पे निगेटिव चार्ज, सल्फर पे निगेटिव चार्ज, हमने कहीं पे एच पॉजिटिव एलिमिनेट किया था, ये एच पॉजिटिव यहां पे आ गया, बन गई दो स्पीशीज, ये वाली भी बन गई और ये वाली भी बन गई। इसके बाद यहां से हम ये बॉन्ड भी ब्रेक कर चुके हैं, यहां से हम ये बॉन्ड भी ब्रेक कर चुके हैं, तो जो थर्ड स्पीशीज बनेगी दैट इज सल्फर, दैट इज सल्फर। अगेन बता रही हूं, एक स्पीशीज है वो होती है आपकी इतनी, ठीक है, दूसरी स्पीशीज है वो सल्फर को छोड़ के और बीच बीच की होती है, और सल्फर है वो आपका अकेला निकल जाता है, तो इस टाइप से इसका डिफ्रेगमेंटेशन हो जाता है। एंड ये था आपका 1,3-dihydrogen-4 ओलेट कंपाउंड, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, यदि क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, इन वीडियोस को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, बिकॉज व्यूज हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद में इतने थोड़े से लोग देख रहे होते हैं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी, आफ्टर ऑल मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, बहुत सोचती हूँ कि चलो मैं बनाती हूँ, कोई एक इंसान, कोई एक बच्चा भी यदि देखेगा वीडियोस, हाँ मैं बनाऊंगी, ऑब्वियसली बनाऊंगी, बट फिर भी आप, मैं भी तो इंसान हूँ ना कहीं तो डिमोटिवेशन आ ही जाता है कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, ना ही कोई कमेंट करके बता रहा होता है, ना किसी को कोई मतलब ही नहीं है, आए वीडियो देखा चले गए, ना ही कोई लाइक कर रहा है, ना ही कोई कमेंट कर रहा है, ना ही कोई शेयर कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसे लगता है मतलब क्यों ही बना रही हूँ मैं, कोई वैल्यू नहीं है मेरे वीडियोज़ बनाने की, बट कोई नहीं मैं बना रही हूँ फिर भी, तो आपको जो भी सही लगे कर दिया करो, बट आप पढ़ लिया करो, ठीक है,
तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे कंपाउंड के साथ में। तीन जो आपके टाइप ए के कंपाउंड है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तीन और बसते हैं जो कि मैं जल्दी ही कंप्लीट कराने वाली हूँ। जितना ज्यादा आपके कमेंट्स होते हैं ना उतना ही ज्यादा मेरा मोटिवेशन होता है। आप ये चीज़ कभी भी नोटिस कर लेना, जितना आप जल्दी जल्दी बोलते हैं कि मैम जल्दी से कराओ, मैम बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो मेरा अभी उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है। अब जब कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी फिर डर होकर बैठ जाती हूँ कि ठीक है कोई देख तो रहा नहीं है, बच्चे बोलते रहे नहीं है, कर लेंगे धीरे धीरे आराम से कर लेंगे। तो मेरा भी मोटिवेशन है वो आपके कमेंट्स ही होते हैं, सो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आज का वीडियो करते हैं यहीं पर, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।